वार्ड क्रमांक 14 के रहवासी इन दिनों जूझ रहे हैं पानी की समस्या से। वहीं पानी की विकराल समस्या के चलते आज इस वार्ड के वासियों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि पिछले कई समय से आरोन के वार्ड क्रमांक के 14 के रहवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन्हें पीने के पानी भी मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आज वार्ड वासियों ने किया प्रदर्शन। इनकी मांगों को देखते हुए आज नगर पालिका के CMO खुद अपने दल के साथ वार्ड के भ्रमण पर निकले, जहां पर उन्होंने देखा कि पानी की समस्या वाकई इन लोगों को है, जिसके चलते CMO ने तत्काल प्रभाव से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही मोहल्ले में एक बोर भी करवा कर विधिवत सबको नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हमसे मेरा निवेदन है अध्यक्ष साहब से कि हमारी सुनवाई जल्दी करें। हम पूरे मोहल्ले के परेशान हैं। हमारी आज से क्या 5 साल से जब से अध्यक्ष बने हैं जब से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पानी के लिए बहुत परेशान हैं हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा। एक बाल्टी पानी इधर से ला रहे हैं उधर से ला रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अध्यक्ष साहब से हमारा निवेदन है, पूरी नगर पालिका समिति से निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अभी पानी हम इधर उधर से भर रहे हैं, जहाँ से ऊपर वार्ड क्रमांक 14 में ऊपर 3 जेट लग रहे हैं, वहाँ का पार्षद है वो भी हमको पानी नहीं भरने देता और उधर की डोरी काट के रख लेते हैं, रात में पानी भरने जाते हैं। कौन पार्षद है? पार्षद माता दिन पार्षद है, वो सुनता नहीं है हमारी सुनता नहीं किसी की। और 2 जेट लग रहे हैं ऊपर, रात में पानी भरने आदि हम जाते भी हैं तो उसकी डोरी काट के रख लेते हैं। मैं निवेदन करती हूँ अध्यक्ष साहब से, निवेदन करती हूँ मैं, पानी हमको चाहिए, माने चाहिए चाहिए हमको पानी, नहीं तो हम एक आध जना मर जाएगा। और वहाँ पर मैंने अभी मौका का निरीक्षण किया तो देखा वहाँ पर वास्तव में पानी की समस्या है और नगर पालिका पूरी कोशिश करेगी कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तो अंतिम विकल्प बोर का ही होगा। बोर में पानी निकलने के बाद सभी को वैधानिक रूप से कनेक्शन दिए जाएंगे, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन